और उसके बाद थोड़ी देर बाद बोन बम वापस आ जाता है तो मुझे लगा जितना जल्दी मतलब ये हुआ कि भाई बोन बम खत्म हो गया देन वापस आ गया यू you नो know, उनका जो किरदार था तो वो मुझे लगा कि यार बहुत जल्दबाजी कर दिया यार वहां पे थोड़ा मतलब यार वो सस्पेंस बनाए रहता है यार कि भार भाई बोन बम एस बीन शॉर्ट फ्यूनरल हो गया इज गॉन विली बी बैक और नॉट वो मतलब सोचने का वो टाइम ही नहीं दिया यार इमीडिएटली इज बैक यार तो वहां पे मुझे लगा थोड़ा गड़बड़ कर दिया स्टोरी में बट उसके बाद ठीक कॉमेडी गाली गलोच है तो तो बाकी परफॉर्मेंसेज बोअन बम एक्शन वैक्शन भी कर रहा वो जो कारश वाला जो एक्शन था दैट वॉज क्वाइट नाइस टू वॉच एंड बट देन अल्टीमेटली सी इट्स वॉट जावेद जाफरी वॉन्ट्स एंड वो करके देता है कि नहीं बोन बम एंड बोन बम और जावेद जाफरी वर्सेस जो जावेद जाफरी जो होता है लास्ट में एकदम दैट वाज आल्सो

बाकी ठीक है एक्टिंग एक्टिंग ने डिसेंट किया है बाकी प्रथमेश ने भी डिसेंट किया है वही मांजरेकर यार मतलब क्या उनको क्या उनका रोल था यार चेतन हंसराज ऑल्सो आई थॉट प्रॉब्ली अच्छा रोल बड़ा बढ़िया रोल होगा बट उतना कुछ खास लगा नहीं उनका बाकी श्रेया वगैरह ने ठीक ठाक ही एक्टिंग किया है ओवरऑल ओके डिसेंट एवरेज टू रिसम गोइंग विध टू पॉइंट फाइव स्टार्स टू पॉइंट फाइव स्टार्स आपको कैसे लगा लिखकर जरूर बताना ऑफ कोर्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को वीडियो सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी है वो भी आप दे सकते हो साथ में इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरा यूजर नेम है बॉलीवुड वाला चलिए ठाठा